हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा, जो आपके दिल्ली पुलिस या अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। तो आप देखिएगा 50 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेट को और हर एक क्वेश्चन को खुद से जरूर करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है कि 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसमें से नए प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो दोस्तों ई विक्रय है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में CRPF मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों CRPF मुख्यालय की आधारशिला हाल ही में अमित शाह ने नई दिल्ली में रखी है। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर 3। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ASDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। इसमें से केरल, गोवा, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर, कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो दोस्तों केरल राज्य सबसे ऊपर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि रक्षा स्टाफ के प्रथम प्रमुख कौन बने हैं। तो रक्षा स्टाफ के प्रथम प्रमुख जो बने हैं दोस्तों बिपिन रावत बने हैं, ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए साइबर सेफ वुमेन नाम की पहल शुरू की है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसमें जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा हरजीत कौर जोशी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि क्यूबा में सौर पार्कों की निधि देने के लिए भारत ने क्यूबा के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट LOC बढ़ाया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 2 है, $75 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को इतना बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो वो दोस्तों कौन है, वो है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर 4। गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, तुगलक वंश का तीसरा शासक। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। देखिए, स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना का श्रेय मलिक हुसैन सरवर को जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था। दोस्तों जौनपुर नगर मोहम्मद जौना खां, जिसे आप तुगलक वंश का दूसरा शासक जो गयासुद्दीन के बाद बना था, ठीक है, कौन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसी का नाम था जौना खां। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, इसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर को यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकी राजा ने अटाला मस्जिद को बनाया। देखिए यहाँ पे सरकी कर लीजिए इस तरीके से, किस सरकी राजा ने अटाला मस्जिद को बनवाया। तो दोस्तों अटाला मस्जिद को जो सरकी राजा था वो इब्राहिम सरकी था, उसी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर 3। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो दोस्तों जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था सरकी सुल्तानों के शासनकाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक भी आपके क्लियर होते चलेंगे, तो आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को कहीं पे नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए एग्जाम तक। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे या किस को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के जो
इधर या इधर होगा उसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, सॉरी रेखाएं नहीं मतलब किरणें नहीं मिलेंगी। तो आपको पता है कि मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, लेकिन जो श्रीनगर है वो कर्क रेखा के काफ़ी उत्तर में है, तो इसलिए श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका आप ऑप्शन नंबर 4 लगाएं। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? देखिए इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद की अगर बात करते हो तो ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, और उत्तरी अक्षांश की बात करी जा रही है तो बिहार का जो पटना राजधानी है वो सबसे उत्तरी अक्षांश पर इन चार ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ वो लगती है, जबकि श्रीलंका पाक स्टेट के द्वारा भारत से अलग होता है तो इसके साथ नहीं लगती है स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब स्थलीय सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसे सही करें आप। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? देखिए सबसे कम अगर बात करी जाए तो वो साझा करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, केवल और केवल 106 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा करती है तो आप बांग्लादेश आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपको बताना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 उसमें किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1774 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओके अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर 1। फिर क्वेश्चन है कि देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने मुख्य भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही करें। भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता जो है वो इकहरी स्वरूप को अपनाया गया है, ऑप्शन नंबर 1। व्यक्ति राशि यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप वेक्टर राशि। वेक्टर राशि का उदाहरण है क्या है? वेक्टर राशि का मतलब सदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वजन, तापमान, लंबाई ये अदिश राशियाँ हैं, जबकि वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मास प्रति यूनिट वैल्यूम क्या है? देखिए मास प्रति यूनिट वैल्यूम क्या है, मास का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान, और यूनिट वैल्यूम का मतलब आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर 3। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दबाव का मतलब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन विषम है चुने? देखिए गति, संवेग, विस्थापन, वेग में गति आपकी अदिश राशि है, बाकी सारी सदिश राशि है, तो गति इसका विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। पानी का घनत्व क्या है? तो आपको घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम घन प्रति मीटर, तो पानी का घनत्व होता है दोस्तों 1000 किलो प्रति घन मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो भाई वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? पादप कोशिका में जो है पाया जाता है, लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक होता है एक प्रकार का। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है? तो दोस्तों अपराधियों को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखें और बताएं क्या आंसर होगा, मन में सोचिए आप अपने। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक हाफ मिस्चर ने किया था, याद रखें। डीएनए परीक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा विषम है? देखिए जातीयता, कुल परंपरा, वंशानुवली, ये तीनों
आपके विषम नहीं है, लेकिन पोलियो विषम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो कायिक सेल जो होते हैं आपके, वो केवल समसूत्रण या समसूत्री होते हैं। तो अगर आपके शरीर में चोट लग जाती है, उसकी मरम्मत के लिए आपको केवल समसूत्रण सेल विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दर्शाता है। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है उसमें परमाणु क्रमांक को कौन दर्शाता है, तो प्रोटॉन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, 1H1, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो होती ही नहीं है हाइड्रोजन में, तो कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। देखिए, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये चारों के चारों हैं हाइलोजन, जिनका आवर्त सारणी में अगर आप अक्रिय गैसों के बाएं ओर 17वें स्थान पे होते हैं ये, और इनमें से जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी का व्यास सबसे ज़्यादा होगा। तो परमाणु संख्या आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है 53 इनमें से, तो इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा, सही है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो भाई, सकारात्मक आवेश प्रोटॉन में होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को आप पॉजिट्रॉन बोलते हो, ऑप्शन नंबर 4। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे ओजोन दिवस भाई 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 14 सितंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की संसद का नाम क्या है। भाई, भारत की संसद को तो संसद ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। जाति संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है, इसे भी याद रखें आप। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों, ओणम जो है आपका, वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पन्नालाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पन्नालाल नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन है। तो राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो दोस्तों, वो विश्वनाथन आनंद हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, ये रहे आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर, साइंस, GK, स्टैटिक GK सब कुछ मैंने कवर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन प्रश्नों के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। एग्जाम तक लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर हो जाएंगे। 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपको रिविजन करने के लिए हो जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और डेली आप वीडियो ज़रूर देखें मेरे चैनल के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के जो दिन बचे हैं वो काफ़ी कम बचे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।